नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंह आज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि डिलीवरी बॉय का और कस्टमर का झगड़ा क्यों होता है। झगड़ा होता किस चीज़ पे है? प्राइस पे, वैल्यू पे। उसके लिए ना तो डिलीवरी बॉय की गलती होती है ना आपकी, उसके लिए कंपनियों की गलती होती है। मैं आज आपको बिल्कुल लाइव स्क्रीन पर दिखाऊँगा कि कारण क्या है, क्या कारण है झगड़ा होता है। जैसे ही देखो दोस्तों, मैं आपको ना बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने ये शोपी ऐप का स्क्रीन खोला। जैसे ही आप शोपी ऐप का स्क्रीन खोलोगे डाउनलोड करके, उसके अंदर ना बहुत से ऑप्शन होते हैं, 99, 149, मतलब बहुत से ऑप्शन होते हैं। मैंने ये ना एक वॉच देखी शो करी कुछ समय पहले, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। मैंने 99 वाले पे ऑप्शन पे ओके किया और मैं उसको थोड़ा सा रोल करके नीचे ले जा रहा हूँ। दोस्तों जैसे ही मैं वहाँ रोल कर रहा हूँ, मैंने ना एक वॉच देखी थी, सम प्राइस 58। आपको बिल्कुल दिखा रहा होगा कि एक वॉच है 58 रुपीज़ की, 399 वैसे वैल्यू दिखा रखी है, और जो इस समय उसकी वैल्यू शो कर रहा है 58, यानी कि 58 रुपए। मैंने उस पर ओके किया। और ये दोस्तों कोई ऐसा नहीं है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। मैंने पहले ना एक दो ऑर्डर लगा के देखा कि ये रियल है या फेक है। यहाँ अंदर देखो दिखा रहा है दोस्तों कि इसकी वैल्यू 58 है और कॉस्ट ऑफ शिपिंग 0 दिखा रहा है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। कंपनियाँ फ्रॉड कर रही हैं, या आप मान लीजिए कि जो असली वैल्यू ना वो लोग जांचते नहीं है। आपने 58 देखा, ओके कर दिया और डिलीवरी बॉय लेके आया उसकी अच्छी वैल्यू के साथ, जो रियल वैल्यू आएगी शिपिंग प्राइस के साथ, आप क्या कहोगे कि नहीं मैंने तो 58 देखा। लेकिन मैं आपको बात पूरा दिखाता हूँ कि 58 नहीं, उसकी वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है। 58 पे किया मैंने, बाई पे ओके किया। जैसे हम लोग बाई पे ओके करेंगे दोस्तों, तो बाई पे ओके करने के बाद थोड़ा सा आगे जा रहा है, वो थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, अभी टाइमिंग लग रहा है, तो लोडिंग हो गया। अब देखो आपके सामने आ गया 50 + 108, यानी कि 50 रुपये शिपिंग के कंपनी ने एक्चुअली डाल दिए, यानी कि अब जो इसका प्रॉपर वैल्यू 108, यानी कि 108 रुपये हो गया। लेकिन हम लोग ये 108 नहीं देखते, आप लोग 58 रुपीज़ देखते हो, और जिस कारण आप लोगों के बाद में डिस्प्यूज हो जाता है। आप अपनी जगह सही हो अपने। अब उसके बाद एक ना ऑप्शन होता है रैंडम रिडम एंड सोप कॉइन्स, इस पर ओके करेंगे हम तो यहाँ ना हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है। इसके अंदर ना 8 रुपए कट गए, तो 100 रुपए पर। अब मैंने इसको ऑर्डर को प्लेस कर दिया। अब जो इसको ऑर्डर को मैंने प्लेस किया, तो इसके अंदर दोस्तों ये जो वैल्यू आएगी ये मेरे को अब 100 रुपए में मिलेगा। ऐसे ही आपके पास कोई भी प्रोडक्ट आएगा, वो उसकी जो शिपिंग प्राइस है वो जुड़ के आएगा। अब आपके पास डिलीवरी बॉय आया कि सर आपका ऑर्डर है कॉल की, वो आप उसके पास चले गए, आपने जो शिपिंग प्राइस है तो टोटल पेमेंट वो कभी नहीं देखते। ये खुद मेरे साथ बहुत से होता है। और इसके कारण एक और समस्या होती है डिलीवरी बॉय को, वो समस्या होती है कि बहुत से कोरियर, बहुत सी डिलीवरियाँ नहीं होती, कैंसिल हो जाती हैं, और बाद में ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूज बनता है। दोस्तों मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा, जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, कृपया उसका प्रॉपर, जैसे कि यहाँ दिखा रहा है आपको 100 प्राइस, तो आप प्रॉपर कुल प्राइस देखें और अपने ऑर्डर को प्लेस करें यदि आपको पसंद आए। और यदि मान लीजिए यहाँ 100 प्राइस है और आपके बाद आपने देख लिया कि 100 है, हाँ मैं संतुष्ट हूँ इससे, मैंने घड़ी अभी ऑर्डर की है कि ये 100 रुपए की है, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये 100 रुपए की घड़ी मेरे पास आएगी और आगे डिलीवरी बॉय मेरे को बोलता है कि आपकी वॉच आई है, मैं करता हूँ ओके, मेरे को पता है कि 58 रुपए की दिखा रही है, 50 रुपए शिपिंग, 8 रुपए मेरे कट गए और 100 रुपए में घड़ी मेरे को मिलेगी, इसे ज़्यादा कॉस्टली दिखा रहा है किसी कारण से, तो फिर आपको कैंसिल कर सकते हैं। उसका एक ऑप्शन होता है, डिलीवरी बॉय आपके पास कैंसिल कोड भेजेगा, इसमें उसको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं और आपको भी, आप कृपया वो कैंसिल कोड पर कैंसिल करा सकते हैं। फिर भी आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का डिलीवरी बॉय के साथ झगड़ा ना हो, लोगों में अवेयरनेस बढ़े और उनको पूरी प्रॉपर जानकारी मिले कि जो ऑर्डर वो लगा रहे हैं उसकी टोटल वैल्यू कितनी है। धन्यवाद।